आखिर गो हत्या के नाम पर कितनी हत्याएं और। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में गो हत्या के शक में सोमवार को भारी बवाल हो गया। मामला सियाना के एक गांव के खेत में गोवंश मिलने के विरोध में लोगों ने जाम लगाया। इसको लेकर पुलिस और भीड़ में संघर्ष हो गया। पुलिस ने गो हत्या के शक में हंगामा कर रहे हजारों लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चला दी। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद भीड़ आग बबूला हो गई और भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। भीड़ ने चौकी के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक वैन और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने जमकर पथराव किया और इसी बीच किसी ने भीड़ की ओर से फायरिंग कर दिया, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और हम लोग जो है लगातार क्षेत्र पर दृष्टि रखे हुए हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों की हम लोग पहचान भी कर रहे हैं, स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को जो है कानून व्यवस्था से खिलवाड़ होने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंस्पेक्टर सुबोध की बहन का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरे भाई की हत्या दादरी के अखलाक हत्याकांड की जांच की वजह से हुई है। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं पता है, ये गऊ रच्चा जो मुख्यमंत्री जी हिला रहे हैं, खुद गऊ रच्चा करके क्यों नहीं दिखाते हैं? अफसोस है इस बात का मुझे। दूसरी बात, मेरे भाई को शहीद घोषित किया जाए, पहले उसकी शहीद स्मारक बनाई जाए, हमारे रोड से निकलने वाले उसे सम्मान दें। जी जी। उसके बाद जी क्या 50,000 और 50 लाख इससे क्या होता है, वापस कर देंगे आगे। तो कहाँ पर शहीद स्मारक बनवाना चाहते हैं? गांव में। जी गांव में, तरगमा गांव में, एटा जिला में। जी इससे पहले उसके फादर भी इसी में खत्म हुए थे। हमारी खानदान ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत बहादुर है, वीर गाथाएं पुरानी है। जी जी जी। तो कैसे उनके पिता की कैसे मौत हुई थी? उनके पिता की मौत झांसी में गोली लगने से आगरा में खत्म हुए थे आके। वो भी इसी तरीके से? इसी तरीके से। तो और जब मेरे भैया विवेचना कर रहे थे ना, जी उस विवेचना की वजह से मेरे भाई को मारा गया है। इसमें विवेचना कर रहे थे वो गौर अच्छा का ही था, वहाँ का अभिलाष पता नहीं क्या अखलाक जो भी हो, उस चक्कर में मेरा भाई मारा गया है। क्या मानते, षड्यंत्र मानते? जी हाँ, षड्यंत्र। पहली बात, गाड़ी में मेरा भाई अकेला क्यों था? जवाब दीजिए। वो इंस्पेक्टर और वो पुलिस वाला दरोगा और ड्राइवर छोड़ के क्यों भागे, बताइए आप? क्या मानते, पुलिस अगर पुलिस साथ देती? मिली हुई थी, मेरे भाई को पुलिस ने मिलके मरवाया है। हम आपको बता दें कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने दादरी के अखलाक हत्याकांड की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुबोध को अखलाक हत्याकांड की जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। डीबी न्यूज के लिए बुलंदशहर से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।